वैसे आप सब तो जानते ही होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। वह दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों में से एक हैं। इनका पूरा परिवार एक विलासिता में रहता है, लेकिन इन्हें खुश नहीं कहा जाता। और सऊदी राजकुमार प्रिंस की पत्नी कैसी दिखती है, इनके कितने पत्नी हैं और इनके कितने बच्चे हैं, और इनके पत्नी का भाग्य इतना दुखद क्यों है, और कोई इसमें इश्चर्य नहीं कर सकता है। गाइस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी अरब के राजनेता हैं, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं। वह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के सातवें बेटे हैं। मोहम्मद बिन सलमान अपने पिता की सरकार को कंट्रोल करते हैं और इन्हें सऊदी अरब का रियल शासक माना जाता है। मोहम्मद बिन सलमान की एस्टिमेट कुल प्रॉपर्टी 18 मिलियन डॉलर है। राजकुमार इनक्रेडिबल लग्जरी में रहते हैं। वह अपने बेहिसाब खर्च लग्जरी प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि वह दुनिया के सबसे महंगी पेंटिंग के मालिक भी हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस में इनक्रेडिबल महल के लिए 230 मिलियन पाउंड खर्च किए, जो राजा लुई 16वीं का था। प्रॉपर्टी में 10 सहन कक्ष, एक इंडोर और पाउंडोर पूल, एक लाइब्रेरी और एक मछली घर है। प्रिंस मोहम्मद के पास दुनिया के सबसे बड़ी बोट में से एक है, जिसका नाम सेरेन है। मोहम्मद बिन सलमान को भी अपनी कला बहुत पसंद है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास अपनी बोट जितनी कीमत की एक पेंटिंग है। प्रिंस ने सऊदी अरब के कई नोटेबल सुधारों की शुरुआत की है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने महिलाओं को कार चलाना और खेल आयोजनों में भाग लेने का लाइसेंस रिसीव्ड करने की अनुमति दी। इस तरह इन्होंने वेस्टर्न पार्टनर्स की नज़र में देश की इमेज को सुधारने की कोशिश की। देश की एक्चुअल सिचुएशन इससे भी वदरत है। मोहम्मद बिन सलमान एक सत्तावादी शासन चलाते हैं। सऊदी अरब में कोई डेमोक्रेसी इनक्रेडिबल नहीं है, और रेप्रेशन के एलिमेंट भी अभी भी क्लियर है। वुमन राइट एक्टिविटीज, महिला अधिकार, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को कंप्लीट इनसाइडर और डिसिडेंट को टॉर्चर, जेल और हत्या, मरियर स्ट्रेटजी के माध्यम से ऑर्गेनाइज के रूप में दबाया जाता है। राजकुमार एक क्रूर और खतरनाक आदमी है। कभी कभी इसके कार्यों से न केवल उनके कार्यकर्ताओं को बल्कि उसके परिवार को भी कष्ट उठाना पड़ता है। 2008 में मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पहली चचेरी बहन सारा बिन्त मासूर से शादी की, जो इनके चाचा मासूर बिन्त अब्दुल अजीज की बेटी थी। प्रिंस मोहम्मद और प्रिंसेस के 5 बच्चे हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां। प्रिंस सलमान, प्रिंस मासूर, प्रिंसेस फादा, प्रिंसेस नूरा और प्रिंस अब्दुल अजीज के उनके आखिरी बच्चे का जन्म अप्रैल 2021 में हुआ था। पहले 4 बच्चों का नाम उनके दादी दादा के नाम पर रखा गया था, और 5वीं बच्चे का नाम उनके पर दादा सऊदी अरब के संस्थापक किंग अब्दुल अजीज के नाम पर रखा गया है। सारा बिन मासूर को उनके लंबे सुनहरे बालों और अच्छे फेस के कारण इन्हें बारहवीं प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर सिर्फ सारा की एक ही फोटो देखने को मिलेगी। शेख मोहम्मद बिन सलमान अपनी पत्नी को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहते हैं और लोगों के नज़र से दूर रखते हैं, और कभी बाहर भी नहीं जाती है, और अपने पति के साथ कभी ट्रेवल पर भी नहीं जाती। राजकुमार वेस्टर्न पार्टनर को ये बताना पसंद करते हैं कि कई अन्य अरब शासकों की विपरीत उनकी केवल एक पत्नी है, लेकिन इसमें राजकुमारी बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। इंस्टीट्यूट फॉर गल्फ अफेयर्स के निदेशक अली अब्बास अल अहमद ने दावा किया कि राजकुमारी सारा अपनी शादी की शुरुआती दिनों में ही घरेलू हिंसा की शिकार रही है। यह जानकारी अल सऊद परिवार के अननोन सोर्स पर आधारित है। गल्फ इंस्टीट्यूट को बताया कि सारा को अपने हस्बैंड के हाथों फिजिकल डिस्कम्फर्ट झेलनी पड़ती है और कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ा। एसएस की जानकारी के विजन रॉयल प्रोटेक्शन ऑफिसर ब्रिटिश नागरिक मार्क योंग ने की, जिन्होंने 15 साल तक सऊदी शासक परिवार के साथ काम किया था। योंग के मुताबिक सारा बिन सलमान ने तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने उससे बात कर ली। उन्होंने सऊदी प्रिंस को आक्रामक व्यक्ति बताया। मोहम्मद की मानसिक स्थिति खराब है और वह कभी कभी अपनी पत्नी और अपने साथ काम करने वाले लोगों पर गुस्सा करता है।
चैंग ने उस घटना को याद किया जब सलमान ने एक वर्कर के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। एक अननोन सोर्स ने यह भी कहा कि सऊदी राजकुमार की सारा के अलावा 3 पत्नियां और भी हैं। यह सऊदी शासक के परिवार में नहीं बल्कि अफवाहें हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या रहे सलमान पहले से ही कंट्रोवर्सी इंटरनेशनल पॉलिटिकल पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। मुख्य रूप से इनकी सिंपल लाइफ और इनके खिलाफ अलग अलग हत्या की साजिश के थ्योरी के रीजन इन्हें पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के कारण 2018 के अंत में MM एनगर का सामना करना पड़ा था। बाद की जांच टीम ने दावा किया कि जनवरी में राजकुमार द्वारा सीधे आदेश दिया गया इन पर अमेजोन सीईओ जेफ बेजोस के पर्सनल फोन को हैंग करने का भी आरोप लगाया गया था। सऊदी दूतावास ने कई कंट्रोवर्सी के बावजूद इन आरोपों को अपसेट और निराशा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने लाइफ को फुल एंजॉय करते रहे और इसके लिए भी जाने जाते हैं। सऊदी प्रिंस की अमाउंट में पैसा खर्चा करते हैं या इम्पल्स में आकर खर्चा करते। सारा के साथ अब क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता कि इन्हें अपने पति के साथ अभी भी विदेशी यात्रा पर नहीं देखा गया और न ही इनकी कोई सार्वजनिक तस्वीर भी है। इसका भाग्य बहुत दुखद हो सकता है। वह अपना सारा दिन एक आलीशान महलों में बिताती है, लेकिन साथ ही वह मोहम्मद बिन सलमान से काफी डरती है और उसका जीवन उसके पति के मूड पर निर्भर है। अरब शेखों के कई अन्य महिलाओं की तरह एक सुनहरे पिंजरे में है जिसके पास सब कुछ हो, करोड़ों खरबों की दौलत, आलीशान महल है, लेकिन उसके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इसी से पता चलता है कि धन हमेशा खुशी नहीं लाता और सबसे महत्वपूर्ण बात परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे संबंध होना चाहिए। और मोहम्मद बिन सलमान अपने पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताना। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।